इंडोनेशिया में अक्सर आपने इस टाइप की बस देखी होंगी। बस है यार जबरदस्त, बस है इतनी यूनिक और अट्रैक्टिव कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी अट्रैक्ट कर ले रही है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक शख्स अपने साथ में अल्कोहल की बोतल ले आया था, भगवान जाने उसे इस चीज का आइडिया था या नहीं था कि गुजरात में अल्कोहल बैन है। और गुजरात का इडली सांभर सबसे ही अलग। हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत और फ्रियल एडवेंचर। गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिल्ली मोरीगेट। सो पेश है एक नया सफर, एक नई बस जर्नी, और आज मैं जाने वाला हूँ एज यूजुअल मोरीगेट दिल्ली से राजकोट गुजरात वेस्टर्न बस की नई नवेली इंडोनेशियन स्टाइल बस में। तो बहुत यूनिक कंसेप्ट वेस्टर्न बस लेके आया है इंडोनेशिया में। अक्सर आपने इस टाइप की बस देखी होंगी जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उस बस में हमारा सफर रहने वाला है दिल्ली से राजकोट तक। और खास बात यह है कि दिल्ली से राजकोट हम डायरेक्ट जर्नी करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले दिल्ली से राजकोट के लिए कोई भी डायरेक्ट बस रन नहीं करती है। यूजुअली जो बस रन करती है दिल्ली से अहमदाबाद रन करती है, उसके बाद इंटरचेंज बसेस होती हैं और वो आपको लेके जाती हैं राजकोट। लेकिन ये इकलौती बस ऐसी है जो आपको डायरेक्ट लेके जाने वाली है कहीं ना कहीं दिल्ली से राजकोट। तो टाइम हो रहा है अभी 3:20 और बस यहाँ से रवाना होगी 3:30 पे। जर्नी रहने वाली है करीबन 1160 किलोमीटर, मोटा मोटा 1200 किलोमीटर आप मान सकते हो। और इस जर्नी को तय करने के लिए मैंने पे करे हैं करीबन 2300 रुपीज़, यानी 2300 रुपये। बाकी बस टिकट बुकिंग की बात करें तो बस की टिकट आप बुक कर सकते हो रेड बस, अभी बस, पेटीएम, यात्रा, दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म पे इनकी बस टिकट अवेलेबल। और खास बात ये भी है कि आज बस का इनॉग्रल रन है। और मैं अभी मौजूद हूँ वेस्टर्न बस के ऑफिस में, और हमारे सामने मौजूद हैं बस के ऑनर मिस्टर अमित जी। कैसे हैं सर? हेलो। तो सर बताइए अपनी कंपनी के बारे में और क्या आपको इंस्पायर करा, मतलब किस चीज़ ने कि इस टाइप की इंडोनेशियन स्टाइल बस बिल्ड करवाई जाए। तो थोड़ा बताइए अपनी कंपनी के बारे में और इस बस के पीछे इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर करने का ज्यादा है। मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ चीजें क्या नया होना चाहिए, और इंडस्ट्री में जब कुछ नया लाओगे तो नया एकदम पब्लिक देखेगी, तो बस वही चीज है। और कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा एरोडायनामिक मूड ये भी था बनाने का कि इसमें थोड़ा सा एवरेज का थोड़ा सा अपने को प्रॉफिट मिलता है, कॉस्ट कटिंग मिलता है, और फिर मेरे को कुछ एक बेस्ट सर्विस नया स्टार्ट करना था लोगों के लिए, तो उसकी नया चीज। अच्छा, आपने ऑफिस का एड्रेस भी बता दीजिए अगर किसी को बोर्डिंग करनी है तो, वो मतलब किस लोकेशन पे आप आए। एड्रेस है गोखले मार्केट में, शॉप नंबर 55, 30,000 कोर्ट, 5 नंबर गेट के जस्ट अपोजिट। अच्छा, अगर मेरा नाम लेके कोई अगर डिस्काउंट वगैरह दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, 100% डिस्काउंट। अच्छा, एक चीज और बताइए, टोटल बस को बिल्ड करने में चेसिस के साथ कितनी कॉस्ट आ गई अप्रोक्सीमेट? ये अप्रोक्स आप मान के चलो ऑन रोड होने तक जहाँ पे आप ऑलरेडी चलती है। चलो ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, और आशा करते हैं कि और नए नए रूट पे आप इस टाइप की बस चलाएंगे। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस इंडोनेशियन स्टाइल बस में ट्रेवल करने के लिए। वैसे इस टाइप की बस आपने बांग्लादेश या फिर अपनी और नेबरिंग कंट्रीज में भी देखी होंगी, तो मेन बात यह है कि सफर होने वाला है खास, क्योंकि सफर है एक नई टाइप की बस में। तो मैं यहाँ से करूंगा बस में बोर्ड और निकलूंगा राजकोट की तरफ, लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होगा, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू राजकोट। सो जी, फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। बाकी बात करें बस की तो बस है यार जबरदस्त, इंटीरियर देख रहे हो क्या जबरदस्त लग रहा है। स्लीपर बर्थ की बात करें तो 2x1 का स्लीपर बर्थ इधर आपको देखने को मिल जाता है, 2 स्लीपर इधर, 1 स्लीपर इधर, और सेम नीचे भी ऐसे ही ऊपर आपको देखने को मिल जाती है शटर अरेंजमेंट। आप देख रहे हो शटर हर स्लीपर बर्थ पर प्रोवाइड करवा रखा है। इधर आपको देखने को मिलते हैं हर स्लीपर बर्थ पर बैक रेस्ट, AC के ब्लोअर्स उधर दिए गए हैं। बाकी अभी तो बर्थ कंफर्टेबल लग रही है, बाकी मेन जो कंफर्टेबलनेस है वो बैठ के पता चलेगी। बाकी हर स्लीपर बर्थ पे दिए गए हैं चार्जिंग सॉकेट, फ़ोन होल्डर यहाँ पे है, कर्टेंस दिए गए हैं, वैसे तो शटर है, ये देखिए शटर अरेंजमेंट दी गई है, लेकिन अगर आपको शटर नहीं लगाना तो आप कर्टेन बंद करके भी प्राइवेसी थोड़ी बहुत मेंटेन कर सकते हैं। टोटल स्लीपर बर्थ की बात करें तो टोटल स्लीपर बर्थ इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं 36। सो टाइम हुआ 4:28 और बस फाइनली अपनी निकल चुकी है मोरीगेट
दिल्ली से। और ये सामने है 30,000 कोर्ट, जिसके बैक साइड यानी मोरी गेट में मैं अभी मौजूद था। तो अगर आप कभी मोरी गेट से बस बोर्ड करना चाह रहे हो तो जस्ट 30,000 कोर्ट के बैक साइड पे आप चले जाइए तो मोरी गेट आप पहुंच जाएंगे। तो जी अभी मैं पहुंच गया हूं करोल बाग, और ये सामने आप देख रहे होंगे दिल्ली की आन बान शान करोल बाग की हनुमान जी की मूर्ति। बस के रूट की बात करें तो दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से सोना, सोना के बाद एंट्री लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद एग्जिट लेंगे दौसा के पास और पहुंचेंगे जयपुर, जयपुर से ब्यावर, उदयपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद और फिर पहुंचेंगे राजकोट। और बाकी अंदर से बर्थ कुछ इस टाइप की है, सामने है सामान रखने के लिए रैक, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, और जैसा मैं आपको दिखा रहा था कि एसी के ब्लोर्स दिए गए हैं, उधर भी एक एसी का ब्लोर है, इधर रीडिंग लैंप है जो कि दो कलर के साथ आपको मिल जाता है। बाकी कर्टेन्स दिए गए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि अगर आपको शटर बंद नहीं करना है तो कर्टेन बंद कर लीजिए और प्राइवेसी थोड़ी बहुत मेंटेन कर लीजिए ताकि हवा वगैरह भी क्रॉस होती रहे। और खास चीज़ मुझे ये लगेगी बैठते टाइम ना यार ये सर में फॉल नहीं हो रहा, चलो ये शुक्र है कि भाई बस जहाँ से भी इन्होंने बिल्ड करवाई है, मुझे बॉडी बिल्डर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट जहाँ से भी इन्होंने बस बिल्ड करवाई है तो बहुत अच्छी तरीके से बॉडी बिल्ड करके इन्होंने दी है। अदरवाइज काफ़ी सारी बसेज में मैंने प्रॉब्लम देखी है कि आप स्लीपर बर्थ में, खासकर अपर स्लीपर बर्थ में आसानी से नहीं बैठ पाते हो, ये चीज़ ना आपके सर में फॉल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख भी रहे होगे सर में और अपर वाले पोर्शन में काफ़ी गैप है तो बैठने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी नीचे वाली जो बर्थ होती है उसमें तो ये दिक्कत होती नहीं, यूजुअली अपर वाली बर्थ में दिक्कत रहती है, बट इस वाली बस में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम हुआ है 5:18 और मैं अभी पहुंच गया हूं धौला कुआं, और यहां धौला कुआं से हमारी एंट्री हो जाएगी ओल्ड NH-8 या फिर ये भी कह सकते हो कि नए NH-48 में जो कहीं ना कहीं जाता है दिल्ली से चेन्नई। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ धौला कुआं से भी दिल्ली से जयपुर, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली उदयपुर, मतलब जितनी भी इस रूट से बस निकलती है उनका बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पर रहता है। तो अभी बस यहाँ पर रुकी है, पैसेंजर वगैरह यहाँ से होंगे बोर्ड। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं गुड़गांव, और गुड़गांव आते ही ना यार दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ की रोड्स देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब लगता नहीं है कि भाई इंडिया के किसी शहर में हम खड़े हैं, ऐसा लगता है कि कहीं फॉरन में हम आ गए हैं। टाइम हुआ है 6:02 और हम पहुंचे हैं अभी इफ्को चौक गुड़गांव, और पैसेंजर्स की यहाँ से बोर्डिंग है इसलिए बस यहाँ पर रुकी है। बाकी बस देखो यार कितनी शानदार, कितनी जबरदस्त लग रही है। तो बस का डिज़ाइन और बस के लुक लोगों के लिए इतनी अट्रैक्टिव है कि हर कोई बस से अट्रैक्ट हो जा रहा है, और खासकर पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले। धौला कुआं में भी दो पुलिस वाले आगे बस के बारे में तहकीकात करने लगे, और सेम इफ्को चौक गुड़गांव पे भी दो ट्रैफिक पुलिस वाले आगे बस के बारे में छानबीन करने लग गया। अब क्या करें यार, बस है इतनी यूनिक और अट्रैक्टिव कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी अट्रैक्ट कर ले रही है। तो बस अभी रुकी है अलीपुर विलेज यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एंट्रेंस से पहले, और यहाँ पे हो रहा है बस में डीजल फिलअप, और ये हमारे सामने मौजूद है बस के कुछ स्टाफ। तो मैंने इनसे जानने की कोशिश करी, आइडिया लेने की कोशिश करी कि भाई साहब कितना लीटर डीजल इस पूरी जर्नी में हमें लग जाने वाला है। तो सर ने मुझे बताया क्योंकि आज इनॉग्रल रन है तो अभी आइडिया उनको भी नहीं है, जब पूरी जर्नी यहाँ से राजकोट तक की हो जाएगी तब ये आइडिया लग पाएगा कि कितने लीटर डीजल इसमें लग जाने वाला है। करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लेंथ है इसकी 1350 यानी 1350 किलोमीटर, और अभी सेक्शन इसका शुरू हुआ है अलीपुर गुड़गांव से दौसा राजस्थान का, अप्रॉक्सीमेट 199 किलोमीटर, और इस सेक्शन को
बनकर तैयार होने में जो लागत आई है वो है 12 से 13 हजार करोड़ की, और पूरे एक्सप्रेसवे की अगर लागत की बात करें जाए तो 1 लाख करोड़ इसको बनकर तैयार होने में लग जाने वाला है। 12 लेन्स का ये एक्सप्रेसवे है, और एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि 40 से भी ज़्यादा बड़े शहरों से हमें जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे पे हर जगह मौजूद है रेस्ट स्टॉप पे मौजूद है चार्जिंग स्टेशन, जो कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से सेटअप करे गए हैं। जगह जगह आपको माइलस्टोन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 13.8 माइलस्टोन पे खड़े हो तो आप समझ जाओ कि आप 13.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, और अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो हेल्पलाइन नंबर जो कि एक्सप्रेसवे पर जगह जगह दिए होते हैं उन पर कॉल करके आप अपना माइलस्टोन बता सकते हैं ताकि असिस्टेंस के लिए कोई भी टीम आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जी, टाइम अभी हुआ है 8:52, और बस ने अभी हॉल्ट लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रेस्ट स्टॉप पे। जगह कौन सी है ये तो पता नहीं, लेकिन रेस्ट स्टॉप पे भी हॉल्ट लिया। और भाई साहब, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफ़र क्या ही सफ़र है यार, इतनी स्मूथ जर्नी। एक तो ये ज़बरदस्त बस और ऊपर से ज़बरदस्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो इस बार जो जर्नी है ना उसका आनंद दो गुना हो गया है। तो ये पीछे इधर कुछ रेस्ट स्टॉप है, रेस्ट स्टॉप का नाम है रजवाड़ा दरबार। बाकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बने इन रेस्ट स्टॉप की झलक देख लीजिए, है ना कितने शानदार और साफ सुथरे। तो रेस्ट स्टॉप में कुछ खा तो सकते नहीं है क्योंकि सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ बस रुकी है, तो फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और उसके बाद सफर को करते हैं कंटिन्यू। सामने आप जो टोल प्लाजा देख रहे हो ना, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एक डाइवर्जन उधर निकल गया है आगरा के लिए, और दूसरा डाइवर्जन है इधर इधर सामने जो हमें लेके जाएगा जयपुर की तरफ, क्योंकि अभी हम पहुंच गए हैं दौसा और यहां से एग्जिट लेंगे और पहुंचेंगे जयपुर। सो टाइम इज 10:43 PM और फाइनली हम पहुँच गए हैं कैपिटल ऑफ राजस्थान, पिंक सिटी जयपुर। तो करीबन 4:35 PM पे जर्नी स्टार्ट करी थी और जयपुर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे से भी ऊपर का समय हमें हो गया। आज भले ये 6 घंटे हमें दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आने वाले टाइम में आप सिर्फ 2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से जयपुर के लिए भी एक्सप्रेसवे पास हो चुका है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला नहीं, अलग से दिल्ली से जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे पास हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि पहले आप दिल्ली से गुड़गांव आते हो, जाम में फंसते हो, फिर गुड़गांव के बाद सोना की तरफ निकलते हो, फिर वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेते हो, उसके बाद दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एग्जिट करते हो, उसके बाद जो कनेक्टिंग रोड है वो भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो उस कनेक्टिंग रोड से जयपुर पहुँचने तक भी करीबन 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो जो जर्नी है ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू भी, वो भी देखो अब 6 घंटे की जयपुर तक है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपना कोई काम नहीं है जयपुर पहुंचने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो हम दिल्ली से जयपुर का सफ़र मात्र 2.5 घंटे में तय कर लेंगे, और ये एक्सप्रेसवे करीबन 2025 यानी 2025 में बनकर तैयार हो जाने वाला है। टाइम हो रहा है 1:10 और करीबन 12:40 पे बस ने लिया था डिनर हॉल्ट राजस्थान में डूडू नाम की जगह को क्रॉस करने के बाद। रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। तो वहाँ पे मैंने थाली लगवा ली थी, थाली थी 200 रुपए की, जिसमें थी दाल थी, चावल, पनीर की सब्जी थी, उसके अलावा रोटी थी और एक छाछ का ग्लास था। तो खाना ओके था, लेकिन वॉशरूम की जो कंडीशन थी ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। बाकी चलो कोई बात नहीं जी, पेट का काम 25 हो गया और अब नींद बहुत जोरों शोरों से आ रही है, तो अभी सोऊंगा। और वहाँ पे वीडियोस लेने बनाई थी क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर ही 2 दुकानें थी और दोनों दुकानों ने बॉलीवुड के जो गाने बजा रखे थे ना भाई साहब, इतनी तेज़ आवाज़ में, अगर मैं वहाँ पे कुछ बोलता तो आपको नहीं सुनाई देने वाला था। तो मेन बात है कि पेट का काम 25 हो गया और अभी नींद बहुत जोरों शोरों से आ रही है। तो मैं अभी पहुँचा हूँ किशनगढ़, और किशनगढ़ को मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जगह जगह आपको मार्बल के आउटलेट्स, मार्बल आर्टिफैक्ट्स की शॉप देखने को मिल जाती है, और इवन पूरे ग्लोब में जो फाइन क्वालिटी का मार्बल होता है वो यहाँ से सप्लाई भी करा जाता है।
सुबह के 7:10 हम पहुंचे हैं अभी सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर राजस्थान। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रतनपुर, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और रतनपुर क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे गुजरात के बॉर्डर पे। सो टाइम हुआ 9:01 और राजस्थान में रतनपुर क्रॉस करने के बाद अभी हमने एंट्री ले ली है गुजरात में। इस बार बॉर्डर पे कोई खास चेकिंग हुई नहीं, अदरवाइज जितनी बार भी मैं गुजरात आया हूँ स्पेशली बस में चढ़कर भी चेकिंग की जाती है। और मुझे याद है मैं एक बार गुजरात आया था और एक शख्स अपने साथ में अल्कोहल की बोतल ले आया था। भगवान जाने उसे इस चीज़ का आइडिया था या नहीं था कि गुजरात में अल्कोहल बैन है, लेकिन उसकी वो बॉटल पुलिस के हाथ से चढ़ गया। फिर उसको जो पुलिस ने धरा तो भाई साहब करीबन 10-15 वहाँ पे खराब हमारे हो गए थे। तो अभी ज़्यादा कुछ चेकिंग नहीं हुई है और गुजरात में अभी हम आगे निकल गए हैं शामला जी की तरफ। शामला जी के बाद हम क्रॉस करेंगे हिम्मतनगर, उसके बाद पहुंचेंगे प्रांतिज और फिर पहुंचेंगे अहमदाबाद। शामला जी क्रॉस करके बस रुकी है ब्रेकफास्ट हॉल्ट के लिए। जाएगा नाम एग्जैक्टली क्या वो तो मुझे पता नहीं है, स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं क्योंकि भूख बहुत जोरों शोरों से लग रही है। तो ये है होटल का कुछ मेन्यू, और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा आइटम तो अवेलेबल नहीं है। पोहा अवेलेबल है, सांभर इडली अवेलेबल है, इसके अलावा डोसा अवेलेबल है, सैंडविच वगैरह वो सब नॉर्मल चीज़ अवेलेबल है। तो इसलिए इडली और सांभर मैंने अभी लगवा लिया है। तो जी इडली सांभर अपना आ गया है, इडली सांभर विद चटनी। तो चलिए खाते हैं और देखते हैं कि कैसा है। इडली सांभर अच्छा है। तो जी इडली सांभर खा लिया है, पेट का काम 25 कर लिया, और गुजरात का इडली सांभर सबसे ही अलग था क्योंकि यहाँ पे सांभर भी मीठा था और चटनी भी मीठी थी। यूजुअली क्या होता है जब हम दिल्ली साइड खाते हैं, अपने नॉर्थ इंडिया साइड खाते हैं, तो सांभर तीखा होता है और जो कोकोनट की चटनी होती है, नारियल की जो चटनी होती है, वो थोड़ी सी मीठी मीठी होती है। साउथ साइड जब आप खाओगे वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे सांभर मीठा होता है और नारियल की चटनी थोड़ी सी तीखी होती है, लेकिन यहाँ पे सांभर भी मीठा और चटनी भी मीठी। अभी क्या है ना कि गुजराती लोग जो होते हैं खाने में थोड़ा सा शुगर ऐड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सांभर भी मीठा और चटनी भी मीठी है, लेकिन अच्छा बना रखा था। और बाकी रेस्ट स्टॉप की बात करें तो रेस्ट स्टॉप काफ़ी नीट एंड क्लीन हाइजीनिक है। रात वाला रेस्ट स्टॉप थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं था, साफ़ सुथरा उतना नहीं था, लेकिन ये वाला रेस्ट स्टॉप काफ़ी अच्छा है। और बाकी बात करें सफ़र की तो सफ़र भी बहुत बढ़िया चल रहा है। जब वेस्टर्न बस जैसी धमाकेदार बस हो और सफ़र हो गुजरात का, तो सफ़र तो बढ़िया चल रही है। तो अभी बाकी पैसेंजर अंदर खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसे वो ब्रेकफास्ट करके आते हैं फिर सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। बॉर्डर पे तो चेकिंग नहीं हुई, लेकिन हिम्मतनगर क्रॉस करते एक जगह चेक पोस्ट थी, जगह का मुझे पता नहीं है। तो वहाँ से अभी कुछ पुलिस स्टाफ बस में चढ़ा था, चेकिंग वगैरह उन्होंने करी, बैग वगैरह की तलाशी ली और
मेन तलाशी किस चीज़ की होती है आपको पता ही है, अल्कोहल की। सो टाइम इज 11:41 PM और हम पहुंच गए हैं अभी नाना चिलोड़ा अहमदाबाद। वैसे आज तो बस अहमदाबाद रिंग रोड लेके अहमदाबाद को बाहर बाहर से क्रॉस करने वाली है, बट जब भी नेक्स्ट टाइम बस का रन होगा तो अहमदाबाद सिटी के अंदर भी बोर्डिंग और डीबोर्डिंग पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो टाइम हुआ 2:50 और बस रुकी है लिम्बडी नाम की जगह पे लंच हॉल्ट के लिए। तो खाना वाना खा लिया। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही खाना खाने गए और जिस कमरे में बैठ के खाना खा रहे थे वहाँ लाइट चली गई, तो वहाँ मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। स्टाफ ने इनवाइट करा, बोला कि सर हमारे साथ खाना खाइए, तो दिन का जो खाना था आज वो स्टाफ के साथ था। और एक चीज़ तो है, वेस्टर्न बस का जो स्टाफ है ना वो बढ़िया स्टाफ है, मतलब बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। इवन पैसेंजर्स के लिए भी ना ऑन रिक्वेस्ट बस रोकी गई है वॉशरूम वगैरह के लिए। तो मेन बात है कि खाना वगैरह खा लिया और 2 घंटे का सफ़र यहाँ से राजकोट का और बसता है। तो चलिए बस में चलते हैं और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं राजकोट। अच्छा राजकोट में कौन सी जगह ड्राइवर साहब ये? अच्छा तो ये दो अपने ड्राइवर साहब थे जिन्होंने रात को बस चलाई है, रात को और दिन में। क्या नाम है सर आपका? और आपका सर? कालूराम। अच्छा चलो ठीक है सर, अच्छा लगा आपके साथ सफर करके, मिलते हैं बहुत जल्द। ऑलराइट जी, तो कल दिल्ली से जर्नी स्टार्ट करी थी 4:30 बजे, लेकिन 4 बजे ही हम माने क्योंकि बस का निकलने का जो टाइम था वो 4 बजे था दिल्ली से। और राजकोट अप्रोक्सीमेटली हम पहुंच गए थे 4:40 पे। ग्रीनलैंड चौकड़ी करके एक जगह थी, वहां पे बस ने हमें उतार दिया था पार्किंग में और अभी मैं पहुंच गया हूं अपने होटल। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी बढ़िया थी और इस टाइप की नई डिज़ाइन वाली बस में ट्रैवल करने में मुझे मज़ा आया, जो कि इंडोनेशिया में यूजुअली आपने चलती हुई देखी होंगी, बांग्लादेश में देखी होंगी और भी इंडिया की कई सारी नेबरिंग कंट्रीज में आपने इस टाइप की बस देखी होंगी। तो फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि इस टाइप की और कंपनियां इस डिज़ाइन की बस चलाएं, और खासकर मैं ये वाली जो डिज़ाइन वाली बस है ना इसको वॉल्वो की चेसिस पे बिल्ट होता हुआ देखना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल B8R या फिर B11R की चेसिस पे अगर ये बिल्ट हो तो फिर मज़े ही आ जाए। तो आशा करेंगे कि इस टाइप की बस हमें और देखने को मिलेंगी फ्यूचर में, वो भी खासकर वॉल्वो की चेसिस पे बिल्ट हुई। बाकी बात करें जर्नी टाइमिंग की तो करीबन 25 घंटे तक का समय हमें लग गया इस जर्नी को तय करने में, क्योंकि आपको पता है कि पूरा सफर तो एक्सप्रेसवे पे था नहीं, सिर्फ 190 किलोमीटर समथिंग का स्ट्रेच हमने एक्सप्रेसवे पे कवर करा। उसके बाद तो फिर पूरा सफर हाईवे पे था और हाईवे की हालत आपको पता ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया के हाईवे उतने बेकार हैं, बट क्या है ना कि अपने इंडिया के हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रहती है बस की, और बस जो थी वो लॉक भी थी 80 किलोमीटर पर आवर पे। उसके बाद फिर बीच बीच में कहीं कहीं पर हाईवे अच्छे भी होते हैं, कहीं कहीं पर बेकार भी होते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना धीरे धीरे अपग्रेडेशन चल रही है। जैसे एक्सप्रेस वे है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पे बन चुके हैं, लेकिन हाईवे क्या अभी भी कुछ कुछ पुरानी कंडीशंस में है तो उनको अपग्रेड होने में तो टाइम लगेगा। तो भाई साहब फिर जर्नी में भी ऑब्वियसली बात है कि टाइम लग नहीं था। और अभी अपने होटल में आ गया हूं तो आपको होटल भी एक बार दिखा देता हूं। तो ये अपना कुछ होटल है, देख लो, ये है वॉशरूम नीट एंड क्लीन, और ये है होटल का कुछ तो है, होटल के बारे में दे रखा है, हाँ शिव शक्ति होटल। और ये देखिए बेस्ट प्लेस टू विजिट इन राजकोट, तो काफ़ी सारे प्लेस हैं यार राजकोट में विजिट करने के, इंडस्ट्रियल प्लेस भी दे रखे हैं राजकोट में, वाह भाई वाह। तो अगर आप में से राजकोट से कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, और ये भी कमेंट करके बताओ कि राजकोट किस चीज़ के लिए फेमस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खाली यार नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।